नमस्कार दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? हम यहाँ अच्छे हैं, आप लोगों के लिए सेट लगातार हम बना रहे हैं। आप अपनी इंटेलिजेंसी सामान्य ज्ञान में जांच सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप पिंटू सर हनुमान कोचिंग चैनल लिखकर यूट्यूब में सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आप तैयार हैं और हम भी तैयार हैं प्रश्नोत्तरी में, शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, एस्फाइगोमीटर चिकित्सा उपकरण का उपयोग किसके परीक्षण में किया जाता है? प्रश्न एक बार फिर से आप सुन लीजिए, एस्फेग्मो मैनोमीटर चिकित्सीय उपकरण का उपयोग किसके परीक्षण के लिए किया जाता है? तो इसका सही उत्तर है रक्तचाप के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, उत्पाद शुल्क किस पर लगाया जाता है? तो सही उत्तर है माल के उत्पादन पर लगाया जाता है। यहूदी एवं ईसाई धर्म का उदय कहाँ हुआ था? सही उत्तर है फिलिस्तीन में हुआ था। असहयोग आंदोलन का मुख्य रूप से किस कारण से वापस लिया गया था? सही उत्तर है चौरा चौरी हत्याकांड के कारण लिया गया था। मुगल साम्राज्य की राजधानी आगरा से दिल्ली किसने स्थानांतरित की थी? सही उत्तर है शाहजहां ने किया था। मलेरिया रोग किसे प्रभावित करता है? सही उत्तर है प्लीहा को प्रभावित करता है। मोहिनीअट्टम नृत्य मूलतः किस राज्य से संबंधित है? सही उत्तर है केरल से संबंधित है। हिंदुस्तान गायन रूपों में सबसे पुराना रूप क्या है? सही उत्तर है ध्रुपद है। वर्ष 1946 में गठित अंतरित कैबिनेट की अध्यक्षता किसने की थी? सही उत्तर है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। प्रश्न अगला, चिनूक किस देश में बहने वाली हवा है? सही उत्तर है संयुक्त राज्य अमेरिका में। शरीर में किसकी कमी से घेघा रोग होता है? सही उत्तर है आयोडीन। भारत का प्रथम परमाणु बिजली घर कौन सा है? सही उत्तर है तारापुर। मोहम्मद पैगंबर के जन्म के उपलक्ष्य में कौन सा त्योहार मनाया जाता है? तो सही उत्तर है ईद का त्योहार मनाया जाता है। बर्फ पर दाब बढ़ने से उसका गलनांक क्या हो जाएगा? सही उत्तर है घट जाएगा। समुद्र के पानी में नमक निकलने के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है? सही उत्तर है वाष्पीकरण विधि अपनाई जाती है। जीवों के द्विनामपत्ति के जन्मदाता किसको माना जाता है? सही उत्तर है लिनियस को माना जाता है। सौंदर्य शास्त्र का अध्ययन करने वाला विज्ञान क्या कहलाता है? सही उत्तर है कैलोलॉजी कहलाता है। डीएनए किस में पाया जाता है? सही उत्तर है माइटोकांड्रिया में पाया जाता है। सुदीरमन कप किस खेल से प्रदान किया जाता है? सही उत्तर है बैडमिंटन में। तारों के कारण घटित अंतरिक्षीय परिघटना को कौन सी है? सही उत्तर है कृष्ण छिद्र। विजयनगर की पहली राजधानी हम्पी थी, इसकी दूसरी राजधानी कहाँ थी? सही उत्तर है पेनुकोडा। श्रवण वेलगोला में गोमतेश्वर की मंदिर मूर्ति के निर्माण किसने करवाया था? सही उत्तर है चामुंडा राय ने कराया था। भारत में पिन कोड की व्यवस्था कब से शुरू हुई? सही उत्तर 1972 से। बाबर का वास्तविक नाम क्या था? सही उत्तर है जहीरुद्दीन। चीटियों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सही उत्तर है फार्मिक अम्ल पाया जाता है। रेलवे बजट को सामान्य बजट से कब अलग कर दिया गया था? 1924-25 में। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसकी स्पष्ट घोषणा किसमें की गई है? सही उत्तर है प्रस्तावना में की गई है। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी में कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित किया गया था? सही उत्तर है मुंबई अधिवेशन में पारित किया गया था। कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ था? सही उत्तर है कला के क्षेत्र में। विद्युत धारा के किस प्रभाव का उपयोग विद्युत बल्ब में होता है? सही उत्तर है उष्मीय प्रभाव का। मराठा योद्धा शिवाजी के पिता जी कौन थे? सही उत्तर है शाहजी भोसले थे। मुगल साम्राज्य के विघटन के बाद कुतुब शाही वंश ने कहां से शासन किया? सही उत्तर है गोलकुंडा से शासन किया।
रसनागल है, पवन की गति दर्शाने के लिए किस स्केल का प्रयोग किया जाता है? सही उत्तर है ब्यूफोर्ट का उपयोग किया जाता है। कुषाण सम्राट कनिष्क के दरबारी वैद्य कौन थे? सही उत्तर है चरक थे। इंडियन रेयन अर्थ लिमिटेड संस्थान कहाँ स्थित है? सही उत्तर है मुंबई में स्थित है। 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन था? सही उत्तर है पामर्स्टन। मेघास्तनी नामक राजदूत को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में किसने भेजा था? सही उत्तर है सेलुकस निकेटर ने भेजा था। पानी के अंदर ध्वनि की रिकॉर्डिंग किस यंत्र से की जाती है? सही उत्तर है हाइड्रोफोन के जरिए की जाती है। सर्वाधिक वैद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है? सही उत्तर है फ्लोरीन। भूपरत में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? सही उत्तर है ऑक्सीजन। प्रश्न आगे है किस तत्व को पेंसिल लेड भी कहा जाता है? सही उत्तर है ग्रेफाइट। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या कहलाता है? डाइऑप्टर। पानी से भरी बाल्टी में रखी छड़ किस कारण से टेढ़ी दिखाई देती है? सही उत्तर है प्रकाश के अपवर्तन के कारण दिखाई देती है। किस पल्लव वंश शासक ने मत विलास प्रहसन की रचना की थी? सही उत्तर है महेंद्र वर्मन प्रथम ने। गुप्त संवत का संस्थापक किसे कहा जाता है? सही उत्तर है चंद्रगुप्त प्रथम को कहा जाता है। किस एकमात्र व्यक्ति ने लंदन में आयोजित तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? इसका सही उत्तर है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। प्रश्न आगे है शेर की तरह एक दिन जीना बेहतर है लेकिन भेड़ की तरह लंबी जिंदगी जीना अच्छा नहीं है, किसका कथन है? सही उत्तर है टिप्पू सुल्तान का कथन है। सत्यशोध समाज की स्थापना किसने की थी? सही उत्तर है ज्योतिबा फूले ने की थी। राष्ट्रीय वित्त का संरक्षण किसे कहा जाता है? सही उत्तर है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को कहा जाता है। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना कब की गई थी? सही उत्तर है 1964 में की गई थी। किस नदी के किनार अलेक्जेंड्रिया नगर स्थित है? सही उत्तर है नील नदी के किनार पर। विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है? तो सही उत्तर है साइनोकोबाल्मिन। किस अंग के खराब प्रकार्य से पीलिया रोग हो जाता है? सही उत्तर है यकृत के खराब से। मानव हृदय का शल्य चिकित्सा द्वारा पहला प्रत्यारोपण किसने किया था? सही उत्तर है क्रिश्चियन बर्नार्ड ने किया था। किस देश को फुटबॉल खेल का जन्मस्थली कहा जाता है? सही उत्तर है चीन को कहा जाता है। किस राज्य में वेदांथांगल पंछी विहार स्थित है? सही उत्तर है तमिलनाडु। भारत में तेल की खोज सर्वप्रथम कहाँ की गई थी? सही उत्तर है डिगबोई असम में की गई थी। अंधों के लिए लिखना पढ़ना किसने संभव किया था? सही उत्तर है लुई ब्रेन। किस पदार्थ का सीधे ठोस से वाष्प में परिवर्तन होने की क्रिया क्या कहलाती है? सही उत्तर है ऊर्ध्वपातन कहलाती है। गैसों का दाब मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? सही उत्तर है मैनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न आगे भारत का राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे संबोधित कर सकते हैं चाहे किसे सौंप सकते हैं? उत्तर है उपराष्ट्रपति को सौंप सकते हैं। वित्त आयोग का गठन कितने वर्षों पर किया जाता है? सही उत्तर है हर 5 वर्षों पर किया जाता है।